विंडोज़ 10 लैपटॉप को विंडोज़ 11 में अपग्रेड कैसे करते हैं? विंडोज़ 11 का बेटा वर्जन आ गया है जिसे आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में इंस्टॉल कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे होता है। सबसे पहले आप सेटिंग को ओपन कीजिए। यहाँ अपडेट एंड सिक्योरिटी पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप चेक कर लीजिए, अगर आपके विंडोज 10 में कोई अपडेट आया हुआ है तो उसे आप पहले अपडेट कर लीजिए। इसके बाद आपको यहाँ नीचे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम पर क्लिक करना है। यहाँ आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। यहाँ आपको लिंक एन अकाउंट पर क्लिक करना है। अपने विंडोज आईडी से लॉगिन कीजिए। यहाँ पर तीन ऑप्शन आता है, पहला है देव चैनल, दूसरा है बेटा चैनल रिकमेंडेड, तीसरा है रिलीज प्रीव्यू चैनल। यहाँ पर आपको देव चैनल पर क्लिक करना है, फिर कंफर्म पर क्लिक करना है। ए बेटर विंडोज फॉर एवरीवन, आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक करना है। वन मोर स्टेप टू गो, अब आपको यहाँ रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। लैपटॉप स्टार्ट होने के बाद आप वापस सेटिंग पर क्लिक कीजिए। यहाँ आपको अपडेट एंड सिक्योरिटी पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको नीचे विंडोज इनसाइडर प्रोग्राम पर क्लिक करना है। यहाँ पर देव चैनल करके आ चुका है, अब आप वापस विंडोज अपडेट पर क्लिक कीजिए। यहाँ पर आपको चेक फॉर अपडेट, यहाँ पर क्लिक करके अपडेट चेक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विंडोज 11 इनसाइडर प्रीव्यू डाउनलोडिंग शुरू हो चुका है। डाउनलोडिंग में काफ़ी टाइम लगता है, आपके इंटरनेट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके इंटरनेट का स्पीड कितना है। विंडोज 11 पूरी तरह से डाउनलोड होने दीजिए। डाउनलोड कंप्लीट होने के बाद रीस्टार्ट रिक्वायर्ड, द नेक्स्ट विंडो फीचर अपडेट इज रेडी, विंडोज 11 इनसाइडर रिव्यू। यहाँ पर आपको रीस्टार्ट नाउ पर क्लिक करना है। अब आपका लैपटॉप रीस्टार्ट होएगा और विंडोज 11 इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। आप यहां देख सकते हैं अपडेट्स आर अंडर वे, 4% कम्प्लीट, प्लीज कीप योर कंप्यूटर ऑन। इस समय आपका लैपटॉप या कंप्यूटर ऑफ नहीं होना चाहिए, ये कंटिन्यू चालू ही रहना चाहिए। अपडेट आर अंडर वे, 76% कम्प्लीट। इसमें काफ़ी टाइम लगता है, लगभग 12 से 15 घंटे का समय लगता है, तो आप आराम से इसे अपडेट होने दीजिए। अपडेट आर अंडर वे, 100% कम्प्लीट, वर्किंग ऑन अपडेट 5%, 22%, वर्किंग ऑन अपडेट 100%, प्रिपेयरिंग विंडोज। मेरे लैपटॉप में विंडोज 11 इंस्टॉल हो चुका है, आप यहाँ सामने देख सकते हैं। मैं पिन डालकर इसे ओपन करता हूँ। आप यहाँ देख सकते हैं विंडोज 11 मेरे लैपटॉप में सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुका है। तो इस तरह से आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में विंडोज 11 का प्रीव्यू वर्जन डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ऐसे ही यूजफुल जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।